गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते। हमारा प्रोग्राम सुन रहे सभी तमाम दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्ते। सप्तसूर परिवार सांस्कृतिक मंच इस मंच के माध्यम से आमी स्वप्नाळु इस YouTube चैनल पर यह सुनहरी महफिल आप सभी के लिए यहाँ पे हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अनलॉक 4 की प्रक्रिया जो अभी शुरू हो चुकी है, कुछ कामकाज सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में जो काम है वो शुरू हो रहा है। और इसीलिए और एक जरूरी बात कि कलाकारों के प्रति जो कलाकारों के दिल में जो आशा है, उमंग है कि हमारे लिए भी स्टेज शो जरूर शुरू होंगे इन फ्यूचर, तो उसी आशा के साथ सभी कलाकारों के साथ हम यहाँ पे यह प्रोग्राम आप सभी के लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस प्रोग्राम में सप्तसूर परिवार सांस्कृतिक मंच के यह फनकार कलाकार यहाँ पे उपस्थित है। सबसे पहले कीबोर्ड यानी सिंथेसाइजर पर है देवादा, उसके बाद ऑक्टो पैड पे है राजदा, ढोलकी और ढोलक पे है सोमनाथ दा, और सिंगर्स जिनमें है मंगेश दा, वैभव दा, महेश दा, और लेडीज सिंगर है नूतन दी, और मैं खुद कविता आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। चलिए सुनते हैं एक सुपरहिट मराठी सॉन्ग जो श्रेया घोषाल जी ने अपने सुरों से उस गीत को पिरोया है, सहारा है, उसी गीत को यहाँ पे पेश करेंगी हमारे ऑर्केस्ट्रा के बेहतरीन कलाकार सप्तसूर परिवार के कलाकार नूतन दी। Thank you.
इस मूवी से, और इसी नए जमाने के गीत के साथ आप सभी को लेके जाना चाहती हूँ पुराने दौर में, जो 90s का जमाना था। 1994 में एक फिल्म आई थी दिलवाले, जिसमें अजय देवगन जी, रवीना जी, उनकी अदाकारी जो लोगों को छा जाती थी, एक अलग ही लव स्टोरी उस दिलवाले फिल्म से हम लोगों को देखने को मिली। चलिए उसी फिल्म का एक बेहतरीन नगमा, जो कि हर किसी इश्क दिल पे जरूर छा जाता है, कितना हसीन चेहरा, पेश करें हमारे ग्रुप के कलाकार वैभव दा। सदके जाऊं सौ बार, कुदरत ने बनाया हो
चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें है, आंखों से छलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। आप सभी का स्वागत है फिर से इस प्रोग्राम में, हम इस प्रोग्राम इस यूट्यूब चैनल पे। सभी को गुजारिश है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई कमेंट्स हो जरूर हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। कहते हैं एक बागवा अपनी बगीचे की उसी जिंदा दिली से मेहनत करता है अपने बगीचे में और फूलों को पौधों को सींचता है। कुछ चुनिंदे फूल वो अपने मेहमानों को जरूर देना पसंद करता है जो उसे प्यारे लगते हैं। वैसे ही सप्तसूर परिवार सांस्कृतिक मंच के कलाकार हैं जिनके कुछ चुनिंदा गीत आप सभी के लिए हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। चलिए अगला सॉन्ग है द ट्रेन इस मूवी से। एक दौर था जब मोहम्मद रफी जी की आवाज पूरी दुनिया भर में छा रही थी और उनकी आवाज की जादू कुछ ऐसी थी। कहते हैं मोहम्मद रफी साहब आपकी आवाज की जादू कुछ ऐसी थी जो पत्थर को भी पिघला देती थी। अगर सुनाया होता किसी एक गीत किसी मौत के दूत को तो शायद वो भी लौट गया होता। ऐसा ही कुछ अंदाज मोहम्मद रफी जी की सॉन्ग का, उनकी गायकी का एक बेहतरीन नगमा यहाँ पे जरूर सुनाना चाहेंगे। द ट्रेन इस मूवी से जो 1970 में आई थी, गुलाबी आंखें। पेश करते हैं हमारे कलाकार महेश दा। तो बाबा कर ले तुझसे
राजे दोस्त
ಮಾಜೆ ಮಾಜೆ ಆಲೆ ಜಿಂಗುನ ನಾತಾಯಾಲ ಬಂದ ಝಾಲಾಡಿ ರೆ ಕಿತಿ ಕರ್ತೋಯ್ ಮಿ ಚೌಕ್ತ ದ ಸೋಡುನ್ ದೆ ದೌಡಾಡಿ ಗೋಡಿ ನ ಪ್ರೌಟ ಮರ ದೇವುನ್ ದ ಕಿತಿ ಕರ್ತೋಯ್ ಮಿ ಚೌಕ್ತ ದ ಸೋಡುನ್ ದೆ ದೌಡಾಡಿ ಗೋಡಿ ನ ಪ್ರೌಟ ಮರ ದೇವುನ್ ದ ಅತ ಕಶ್ಯಾ ತರಾ ಗಾತ ರಂಗ ತಡಾಗ ತುಜ ಸಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ಪಲ ಒಂದುನ್ ದ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इन सभी हमारे फिल्मकारों के साथ सप्तसूर परिवार सांस्कृतिक मंच के साथ। थैंक यू।